और जब बाढ़ आती है तो इनकी संख्या भी बढ़ती जाती है। बजरीगार्स जानते हैं कि पानी के आने से स्थानीय घास की एक नई फसल पैदा होगी और वो पोषक बीज भी पनपेंगे जिन्हें ये खाते हैं। लेकिन बहुतायत के दौर में भी ये एक जगह टिके नहीं रह सकते, क्योंकि जहां बजरीगार्स होते हैं वहां शिकारी पक्षी भी होते हैं। हर सुबह इनका झुंड खुराक और पानी की तलाश में निकलता है। ये धुएं के किसी चमकते बादल की तरह उड़ता रहता है। ये बचाव की एक जबरदस्त तरकीब है और इसके जरिए ये शिकारी पक्षियों को भ्रमित करते हैं और उनसे बचते हैं। जब बजरीगार जमीन पर होते हैं तब इनके सामने सबसे ज्यादा खतरा रहता है। गर्मी और सूखे वाले दौर में पानी की पोखर खासतौर पर खतरनाक जगह होते हैं।